हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमान और आप देख रहे हैं टीज़ेड विद अमान। तो आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा लखनऊ में अमरवीर महोत्सव जो लगा हुआ है नींबू पार्क के पास। जी हां, इससे पहले भी आपने यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे। तो ये इसका मेन गेट है और यहीं से एंट्री होने वाली है। सामने टिकट काउंटर है, यहाँ पर आपको 20 रुपये का टिकट मिल जाएगा जिससे आपकी एंट्री हो जाएगी। तो अब हम आ चुके हैं अंदर और चलिए आपको दिखाते हैं पूरा मार्केट, कितना सस्ता मार्केट है गाइस। ये देखिए, लकड़ी के सारे आइटम हैं, चलना वगैरह सारी चीज़ें मिल रही हैं, घर के आइटम, घरेलू जो यूज़ में होते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ इस शॉप पे। यहाँ पर देखिए आप, लकड़ी की सारी चीज़ें यहाँ पर लकड़ियों से बनाई गई हैं और हाथों से बनाई गई है, हैंडक्राफ्ट है ये गाइस। और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें हैं, एंटिक चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर, जो आप नॉर्मली अपने रूम को सजाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्लावर पॉट है और होल्डर वगैरह, पेन होल्डर वगैरह, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप ये देखिए, ये लैम्प को देखिए, उसके ही जस्ट बगल में आप ये शॉप देख सकते हैं, लेडीज़ सैंडल चप्पल वगैरह और जूते वगैरह की शॉप है ये। बच्चों और बड़ों के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर आपको चप्पल वगैरह मिल जाएंगी। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, चूड़ी और कंगन की दुकानें हैं। वहाँ से निकलने के बाद मैं इस शॉप पे आया जहाँ पर मुझे ये फ़ैन दिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर एक गियर लगा हुआ है, गियर से ये नाच रहा है, काफ़ी अच्छी हवा दे रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे तो पता नहीं चल रहा है, इस वाले पे ट्राई कर, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हवा दे रहा है, जो एक बच्चे के लिए काफ़ी ठीक है। तो मैंने अपनी बच्चे के लिए ये ले लिया है, जो कि 50 रुपये का है, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। तो इस महोत्सव का ये मेन स्टेज है जहाँ पर डांसर, सिंगर, एक्टर सब आके अपने कलाकारी दिखाते हैं। फिलहाल ये एक भाई साहब डांस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा डांस कर रहे थे, तो मैंने कहा आपको दिखाई देता हूँ, आप इनका डांस देखिए। भाई, इस वीर महोत्सव की एक ख़ास बात यह है, यहाँ पर जो दुकानें लगी हैं, इनमें से कई दुकानों पर आप ये देख सकते हैं हर माल 10 रुपये का है, जो घर के घरेलू आइटम से लेके बच्चों के खिलौने तक की सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, मात्र 10 रुपये, जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है। ये नहीं कि 10 रुपये है तो चीप क्वालिटी होगी, एक है 10 रुपये में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं, ये 10 रुपये वाला आइटम नहीं है, इनका रेट थोड़ा ज़्यादा है। ये बगल में ही, जस्ट बगल में ही शॉप है, कप वगैरह हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो भैया, वो 10 रुपये वाले सामान में से मैंने ये एक मग्गा लिया हुआ है और एक ये ट्रे ली है, ये आप देख सकते हैं, और एक ये छोटा सा सीपर लिया है अपनी बच्ची के लिए, जो कि अच्छी क्वालिटी है गाइस, 10 रुपये में भी अच्छी क्वालिटी है। इस मौसम में जितनी भी शॉप लगी हैं उनमें लगभग आधे से ज़्यादा तो ये 10 रुपये की सेल वाली है, जिनमें ज़्यादातर आइटम लेडीज़ मेकअप का है, फिर बच्चों के खेलने का सामान है, और इसके अलावा कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन है फिर भी 10 रुपये में, जो और क्या ले सकते हैं आप। महोत्सव में घूमते घूमते गर्मी ज़्यादा लगने लगी, तो मैंने 10 रुपये वाली शॉप से एक ये छोटा सा पंखा ले लिया, जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा राहत दी है और मार्केट में घूमते वक्त मेरा पूरा साथ दिया है। अभी मैंने आपको 10 रुपये वाली शॉप दिखाई दी, अब आप यहाँ देखिए, हर एक माल 8 रुपये में। अब यहाँ आप देख सकते हैं 8 रुपये में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। ये देखिए, नल की टोटी वगैरह है, साबुनदानी है, ये तमाम चीज़ें जो दिख रही हैं आपको, ये सिर्फ 8 रुपये में, मात्र 8 रुपये। इतना सस्ता कहाँ मिलता है गाइस? आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस महोत्सव में ज़रूर आइए, और ये बाकी के सामान जो आपको दिख रहे हैं आप खुद आके देखेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। इस महोत्सव के ख़त्म होने की लास्ट डेट मेरे ख्याल से 5 जुलाई तक कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, तो आप इस बीच आ सकते हैं यहाँ पर। अब ये देखिए, ये 8 रुपये की ये ट्रे है, 8 रुपये में है, तो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, बहुत ख़राब नहीं कह सकते, ठीक है 8 रुपये में, और क्या चाहिए। तो भाई, वहाँ से निकले हम आ गए ये पान की शॉप पर, इनके पास फायर पान है, तो मैंने कहा फायर पान भी ट्राई करते हैं, भाई कभी ट्राई नहीं किया है, तो इनसे मैंने कहा फायर पान लगाइए।
ये भाई तैयारी कर रहे हैं, देखिए इसमें पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं। अब इसमें फायर किस में लगेगी ये नहीं पता है। ये क्या, मेरे ख्याल से गरी डाली है, क्या है गरी लग रही है। ये कुछ और डाल रहे हैं, नमक जैसा, क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से ब्रास है ये। पान में ब्रास डाल के खाई जाती है, शायद जो जानते हैं उनको पता होगा ब्रास क्या होती है। हाँ ये उसमें देखिए आप, इन्होंने आग लगा दी है। तो अब इसको कैसे खाते हैं ये मैं दिखाता हूँ आपको। अब यही मुझे खिलाएंगे भाई साहब, अब ये कैसे खिलाएंगे देखता हूँ मैं, मुँह जलता है कि नहीं जलता है। नहीं भाई मुँह तो नहीं जला, बाकी इसका टेस्ट कुछ खास नहीं था लेकिन ठीक था। तो पान खाने के बाद अब हम चलते हैं जहाँ पर झूले वगैरह लगे हैं, वो चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं बड़ा वाला इंडोलन, जो कि बचपन में हम लोग झूला करते थे, इसके बाद से मैं कभी नहीं बैठा और आज भी शायद इसमें नहीं बैठूंगा क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। और ये बच्चों के लिए देखिए, ये राउंड राउंड कार वगैरह घूम रही हैं, जिसको देख के ये आपका सर घूमने लगेगा। यहाँ पर घूमते घूमते भूख लगने लगी तो मैंने देखा ये भाई साहब कुछ तल रहे हैं। ये छोटे छोटे समोसे हैं जो कि 20 रुपए की एक प्लेट है और उसमें लगभग 6-7 समोसे ही थे, जो कि काफ़ी टेस्टी थे। एक बार में एक समोसा आप खा सकते हैं। इनकी चटनी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इस मौसम में एक नई चीज़ हमको देखने को मिली, जो आजकल के लिए वीडियो क्रिएटर के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जो कि आपकी 360 वीडियो बनाता है। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करता हूँ भाई, तो मैंने भी एक वीडियो बनवाई है। ये 360 डिग्री वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सामने है हॉन्टेड हाउस भाई, अगर जिनको हॉन्टेड हाउस देखने में इंटरेस्ट है वो यहाँ आ सकते हैं। हॉन्टेड हाउस है सामने, मैं अंदर तो नहीं गया भाई लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ खाली। भाई यहाँ पर एक पुरानी चीज़ दिखी हमको, जो बचपन में अक्सर मेलों में देखा करते थे। यहाँ पर आप खड़े होंगे इसके ऊपर, तो ये आपका वेट बताएंगे और आपका नेचर बताएंगे, प्लस फ्यूचर भी बताएंगे। तो भाई इस महोत्सव में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको खाजा मिल जाएगा, इसको खाजा कहते हैं, जो कि मीठा होता है, जो आप जानते हैं। नमकीन भी मिल जाता है। इसके बगल में ये टिक्की वगैरह लगी हुई है, ये मिठाई है, आप देख सकते हैं सोन हलवा टाइप का है। ये लगे हैं हलवा पराठा, जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ से ले भी लिया था। तो भाई मुझे तो काफ़ी टेस्टी लगता है ये हलवा पराठा, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगता है। इसके जस्ट बगल में आप मोमोज और बर्गर की दुकान देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मोमोज और बर्गर वगैरह, चाउमीन वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी खाने को। तो भाई झूलों की तरफ से हम वापस निकल के मार्केट में आ चुके हैं। आप ये गिलास देख सकते हैं, ये गिलास वगैरह भी यहाँ मिल रहा है आपको, किचन के सारे सामान मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। यहाँ पर इस बार जिस दुकानों पे मैं जा रहा हूँ इनका रेट है 50 रुपये का। यहाँ पर 50 रुपये में हर सामान आप खरीद सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है 50 रुपये की क्वालिटी वाला जो भी सामान है। क्वालिटी भाई आप ये रेट सुन के इसकी क्वालिटी को जज मत करिए, खुद से आके चेक करिए, क्वालिटी भी अच्छी है, रेट तो उचित है ही है। रेट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बस क्वालिटी भी अच्छी है। आप ये देख सकते हैं किचन के एसेसरीज है, सारी किचन का सारा सामान है। तो भाई जो लोग भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो लखनऊ के हैं या लखनऊ के बाहर से हैं और यहाँ आना चाहते हैं, तो मैं एड्रेस बता देता हूँ। लखनऊ के नींबू पार्क के पास ये वीर महोत्सव लगा हुआ है, यहाँ पर एक बार विजिट ज़रूर करें, आपको मज़ा आएगी और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा जब आप ये सामान खरीदेंगे कम से कम रेट में, ठीक है। और इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, मेरे ख्याल से 5 जुलाई तक ये कर दी गई है, तो आप ज़रूर आएँ। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।